हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं जुमैरा बीच के लिए और ये देखिए खड़ा है सामने हमारे बड़ा सा क्रूज क्वीन एलिजाबेथ 2 जिसमें लिखा है, ये आप देख सकते हैं सामने से। और ये अरेबियन सी है सामने। अब हम जा रहे हैं जुमैरा बीच। होटल से फ्री शटल बस मिली है, शटल बस। ये सर्विस मुझे सबसे पसंद आई यहाँ की, फ्री बस है, वो आपको जुमैरा बीच तक ले जाएगी और वापस वहीं से पिकअप कर लेगी। तो अभी हम जा रहे हैं जुमैरा बीच और आई थिंक अभी हमको लगेगा आधा घंटा और यहाँ से पहुँचने में। ये है दुबई कस्टम्स का ऑफिस। वाह क्या रोड है यार यहाँ की, क्या बेहतरीन। और वो सामने बुर्ज खलीफा देख सकते हैं आप मेरे। और ये अभी रेड सिग्नल हो गया है। और ये इस समय हम लोग आ चुके हैं ला अर जुमैरा बीच। 10 या 15 मिनट में हम लोग आ गए यहाँ पे और पीछे का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना शानदार है। तो अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ। बहुत ही देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब हम करने वाले हैं बीच पर एंजॉयमेंट और फिर से हमको बस यहाँ पे कर लेगी पिक 2:15 पर, दोपहर के 2:15 पर। तो वही बस जिसने हम लोग को छोड़ा है वही यहाँ से पिक करेगी और हमको हमारे होटल में ड्रॉप कर देगी। वाओ अमेजिंग यार, अगर इंडिया से आप हो ना, मैं एक बात बताऊँ, एक बार दुबई ज़रूर आओ। मैं कहूँगा कहीं आप सारी कंट्रियाँ जाओ लेकिन एक बार ज़रूर दुबई आओ, मज़ा आ जाएगा वाकई में। क्योंकि यहाँ के जैसे रूल्स और रेगुलेशंस कहीं नहीं है। ये डैडी भी चलते हुए साथ में कछुए की चाल चल रहे हैं धीरे धीरे। और ये आप देख रहे हैं सामने बीच आ चुकी है और सामने आप देख सकते हैं समुद्र और पूरा यहाँ का मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ। ये पूरा यहाँ का व्यू है, वाह मज़ा आ गया भाई। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलता हूँ मैं लेकर आपको अपनी बीच की तरफ। आइए आप देख सकते हैं सामने बीच और यहाँ पे फॉरेनर सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं जो नीदरलैंड से, जर्मन से, लंदन से, यूएस से, चाइना से भी हैं, जापान से भी लोग हैं। चाइना और जापान बहुत है। तो भाई बीच में तो हम इस समय आ चुके हैं और वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है वाटर पार्क। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे और कुछ करने को मिलता है, एडवेंचर यहाँ पे और क्या क्या है। और ये आ गए हम बीच पर, ये देखिए वाटर पार्क। और ये आ चुकी है रेत और ये है अरेबियन सी जो हमारे सामने है इस वक्त, वो है अरेबियन सी। काफ़ी टॉयज वॉयज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं
यार मजा आ गया। वाटर पार्क की आप स्लाइडें देखिए, जबकि ये यहाँ का छोटा सा ही वाटर पार्क है। ये अरेबियन सी आ चुका है, ये बीच का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाकई में यार बहुत बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ से लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वाकई में दिल खुश हो गया यार यहाँ के। और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का फ्लैग है, और यहाँ पे सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए लगा रखा है इन्होंने, एक येलो रंग की चेन सी लगी है, मतलब इसके पार जाना ही नहीं, इसके आगे आप जा ही नहीं सकते हो। जाली पूरे ये आपको बंद कर दिया है इसने यहाँ से, और आप यहीं इतने एरिए में आप एंजॉय करिए। खड़ा हूँ बीच में, बट पानी के अंदर जाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है यार, काफ़ी ठंडा पानी है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही पानी के अंदर जाने की। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पानी काफ़ी ठंडा है, तो अभी तो चिलअप के लिए फिलहाल थोड़ा बैठा जाए। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया मौसम। इस समय तो एंजॉयमेंट मौसम का सबसे अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, मतलब बहुत सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी को लेके। और कुछ भाई लोग पीछे ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, तो उनको बुला भी नहीं ये लोग सिक्योरिटी वाले कि आप ज़्यादा आगे मत जाएं, क्योंकि लहरें तेज़ हो रही हैं, अपना रुख बदल रही हैं, तो इसलिए उनको मना किया जा रहा है कि ज़्यादा आगे ना जाएं। और अभी हम जा रहे हैं बैठने, यहाँ पे पड़ी हैं चेयर्स, आराम से बैठेंगे और होंगे चिल। तो समय हवाएं काफ़ी तेज़ हैं यार, यहाँ पे पानी भी ठंडा है, तो पानी में तो जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं गया पानी में पैर लेके, तो यार इतना ठंडा, मैं तुरंत वहाँ से हट गया सबसे पहले तो। अब बैठेंगे यहाँ पे आराम से और करते हैं मज़े। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, मैं आपको दुबई की हर एक एडवेंचर प्लेस से मिलाना चाहूँगा, आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा अपने माध्यम से। और सब यहाँ मेरा क्या रहा, कितना पैसे यहाँ मेरे खर्च हुए दुबई ट्रिप में। और ये ट्रिप मैं पहले ये बता दूँ कि ये मेरी इंडिविजुअल है, मैंने कोई पैकेज बुक नहीं किया है, ये मेरी पूरी इंडिविजुअल ट्रिप है। तो मैं आपको बताऊँगा कितना बजट है ट्रिप का, और कितने दिन में मेरे कितने रुपये खर्च हुए यहाँ पर, और कौन कौन सी जगह यहाँ पर घूमने लायक है, और कौन कौन सी जगह जहाँ जाना टाइम वेस्ट है, मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ट्रेवलिशियन पर। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें।